फाइनली हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल। मेरे पति देव ये देखो मैडम को थोड़ा सा फोबिया है, कैमरा फोबिया है। Finally we reach in terminal 2. So नौ बजे हमें चेक इन करना था, 9 बज चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया सिक्योरिटी लगी है, सारे लोग मास्क पहने हुए हैं। देखिए गेट नंबर टू पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से हमें अंदर जाना है, इंडिगो की फ़्लाइट हमने ले रखी है और मौसम बहुत प्यारा है एंड बहुत बढ़िया ट्रिप में अभी हम जाने वाले हैं और मैडम और हम साथ में और हम सिर्फ एक ही लगेज ले गए हैं क्योंकि दिस इज हमारा कॉम्बो पैक। हमने सारा सामान सिर्फ एक बैग में पैक कर दिया। मैंने पैक किया रखा है, मैंने नहीं किया। ओके बाय बाय। तो मैं अंदर जा रहा हूँ गेट नंबर 2 से, मैं अंदर बोर्डिंग पास लूँगा, हमारा जो लगेज है वो शिफ्ट हो जाएगा। हाय बोलो। हाय बाय। फाइनली हमने चेक इन कर लिया है और अब हम गेट नंबर 26 को जा रहे हैं चेक इन करने। सो वी विल मीट यू सून। और अभी हमें फ़्लाइट में बैठना है जल्दी से जल्दी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिले हो गए। ये चेकिंग बहुत ज़्यादा टाइट थी, इसमें हमें कोविड की रिपोर्ट मांगी गई। सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद हम गेट नंबर 26 जा रहे हैं। हम फिर सब बस में बैठ गए और अब हम क्या कहते हैं अपने फ्लाइट तक जाएंगे। ये बस है जो हमें पिकअप करेगी, पिकअप करके ले जा रही है और हमें ये छोड़ेगी आपका फ्लाइट तक। मौसम बहुत बढ़िया है, सुहावना है। तो आई विल मीट यू सून, बाय बाय, टेक केयर। देखिए मैडम आपको मास्क पहन के दिखाएंगी और आपको हमें ये भी मिला हुआ है किट। तो इंडिगो की तरफ से हमें बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है जिसमें कि हम लोगों को बहुत अच्छा ये मास्क गिफ्ट मिले हैं और आपका जो किट है ये आप पहन सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे नवयुवक हैं जो हमें बस से अभी हम जा रहे हैं आपकी फ्लाइट तक और हमें क्या कहते हैं ये सुविधा प्रदान के। मैं भी बाद में पहनूंगा, मैंने रखा हुआ है अपने स्पेयर के लिए। ओके मैं फ्लाइट में पहुंचता हूं, फिर देखते हैं कितना मौका मिलता है वीडियो बनाने का। मैडम देखो वीडियो बना ली है, ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद वाले में दिखाऊंगा स्टेशन में। और ये वीडियो बना रही है मैडम फ्लाइट कैसा व्यू दिखता है। और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पहनी है और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी उड़ने वाले हैं, इसका अलग मज़ा है अपना। हमें जस्ट अभी इंस्ट्रक्शन मिली है कि या तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए या फिर अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। मैंने अपना फ्लाइट मोड में डाल दिया है और मैंने मैडम ने भी डाल दिया फ्लाइट मोड पर अपना फ़ोन। और चाय पी रहे हैं, मैम भी चाय पी रही है। माई वाइफ इज बाइंग नेल पॉलिश फॉर हर। सी द प्रोडक्ट नेम इज कलर बार। सी नेल पॉलिश सी गेट, सी इज वेरी हैप्पी टेकिंग इट, सी इज पेइंग बाय हरसेल्फ।
Ciao. यहाँ काफ़ी चेकिंग के बाद कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक करने के बाद प्रॉपर मेडिकल लाइन से अगर यहाँ पर कोई भी अंडमान में कोई भी इंसान आता है यहाँ पर हनीमून के लिए कोविड के टाइम पे तो प्लीज़ रियल रिपोर्ट लाइए क्योंकि यहाँ पर मेडिकल चेकअप पूरा हो रहा है और वो मेडिकल ऑनलाइन अपलोड भी होना चाहिए अगर आपने कोविड टेस्ट करवा रखा है। तो हमें पिकअप के लिए मेक माई ट्रिप से आ रखे हैं आशीष अक्षय वोरा जी, तो हम अभी कैब में बैठते हैं। We are in Port Blair now. I will update in soon. So guys, we are in a cellular jail. This jail is a memorandum of the all independent heroes like Subhash Chandra Bose and Veer Savarkar. So this is the memory of the all great person who did the lots of work to do a freedom of the India, and there is a lots of photograph that people are doing, and this is lots of pictures here that is showing that this is where people are getting the kala pani saja in their life to fight for the freedom, and in Andaman Nicobar Japanese also have surrender, so we have the proof here on the documents. And you can see behind me the Vande Mataram Smarak for the devotedness of the heroes of the independence of India in the Andaman Nicobar. So this is also a very good place to visit. And you can see the Smarak and the law is behind us. And let me show you the whole area. There we go. This is a jail.
दिस इज़ ऑल जेल्स। वेल हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के वीर सपूत यहाँ कैद किया जाते थे, जिनको काला पानी की सजा हुआ करती थी। दिस इज़ द लोकेशन एंड ये अभी भी वीरली है, ये सारी जेल्स हैं, ऑल आर जेल्स। दिस इज अंडर द सिवानी सिंस 1995, सिवानी हेरिटेज कन्वर्जेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर है ये जेल, सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ए टू जी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक जेल का मॉडल है जो कि पुराने कैदी जो होते थे, कोई बाहर नहीं कर पाता था, तो उसका एक जेल का मॉडल है इसमें। ये जेल का मॉडल मतलब कि जो ये दीवारें दिख रही हैं चारों तरफ से लंबी सही, तो इसमें पूरी लगातार जेल ही जेल है और ये स्ट्रक्चर जेल है। तो गाइस आज हम सेक्रेटर जेल आए हैं, जिसमें कि आपका लोग कैद किए जाते थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जहाँ काले पानी की सजा मिलती थी अंडमान में। तो ये लोकेशन एंड मॉडल ऑफ द जेल इन माय बैकग्राउंड यू कैन सी, और बहुत बढ़िया जगह है वो, फर्स्ट क्लास जगह है, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। और सारी जेल है, हमारे पीछे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हो सारी एक जेल है, या इसका मॉडल ही कुछ ऐसा बना हुआ है। गाइज हम उस लोकेशन में जाएंगे जेल के, जहाँ से हमें अंडमान का पूरा व्यू दिखेगा। और ये सेक्युलर जेल है, पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी। ये सारी जेल की लोकेशन है। जिस जेल के बारे में हम बात कर रहे थे, एक तो एक रैक तो ये है इस जेल का, जो डिज़ाइन मैंने वो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया। एक आपका ये डिज़ाइन है जहाँ से लगातार जेल ही जेल हैं। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट डिज़ाइन ये आता है, और उसके बाद ये डिज़ाइन है। यहाँ पर देखिए पूरा समुद्र है, ई टू जी पूरा समुद्र है, जिसमें कि अगर कोई भागने की कोशिश भी करे तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंसान समुद्र पार नहीं कर सकता। यहाँ फुल सिक्योरिटी थी, तभी इसको हम काले पानी की सजा कहते हैं। हेलो गाइस, मैं सेलुलर जेल में लाइट शो में बैठा हूँ, और यहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है। और क्या कहते हैं, ये लाइट शो है जेल का, जहाँ पर कि दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे नाइट को जेल में वर्किंग होती थी, और सारा इसमें ऑपरेशन होगा। मैडम हमारे साथ में है, देखने दी होंगी आपको, और मैं भी आपके साथ में। और क्या कहते हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज़ द शो इज़ गोइंग ऑन। यहाँ सारी सीटी भरी हुई है, बहुत प्यारा शो होता है। इसमें आपको ऑनलाइन जा करके टिकट बुक करना होता है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो जो क्वेरी करेंगे मुझे उनको मैं लिंक दे दूँगा। जैसे जैसे आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं लाइट शो का सेलुलर जेल में, और जेल में नाइट शो होता है ये, अभी एक घंटे का शो होगा पूरा प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि जो आप सामने देख पा रहे हैं, आई मीन जूम इट, आप सामने देख पा रहे हैं सारे जो हैं एरिया है, सारा जेल का एरिया है, पूरा एरिया, सारा जेल का एरिया है। इस जगह पे शो होगा, लाइट शो है, ये कहलाता है सेलुलर जेल लाइट शो। ज्योति, ये आपको अखंड ज्योति दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वंदे मातरम की अखंड ज्योति है। और जो लाइटिंग आप टॉप पर देख रहे हैं, जेल है पूरी, ये 50 साल हो गए हैं, यहाँ कोई बंदी नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हो ऊपर टॉप पे एक बंदा टॉर्च चमका रहा है, देखिए ये देखिए।
टॉर्च मंगाई जा रही है, सो है सो।